इस कहानी की शुरुआत होती है पीटर से, जिसे एक दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शेली का एक कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। पीटर को जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन शेली को उससे कुछ जरूरी बातें करना थी, इसलिए पीटर को शेली से मिलने के लिए जाना पड़ता है। शेली ने पीटर को जो एड्रेस दिया था वो उसे फॉलो करके एक अबैंडन्ड बिल्डिंग तक आ जाता है। दरवाजे के बाहर ही उसे चाबी मिल जाती है, जिससे डोर खुलकर वो अंदर आ जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर का रूम बहुत ज्यादा गंदा था और वहीं पर एक लैब भी बना हुआ था, साथ ही वहां पर बच्चों के कुछ टॉय भी पड़े हुए थे। अंदर जाने के बाद पीटर के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसके बाद में वो शेली को आवाज लगाता है। तब शेली एक व्हीलचेयर से उसके पास में आती है। शेली को इस हालत में देखकर पीटर बहुत ही शॉक्ड था, क्योंकि अब शेली पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही थी, साथ ही अब वो बिना व्हीलचेयर के चल भी नहीं पाती थी। फिर इसके बाद में शेली पीटर को एक ड्रिंक ऑफर करती है। शेली की बात मानकर पीटर फ्रिज से एक वाइन की बोतल निकालता है और इस दौरान फ्रिज के अंदर पीटर को सड़ा हुआ मांस भी नजर आता है। पीटर उस ड्रिंक को पी जाता है, लेकिन शेली उस ड्रिंक को नहीं पीती है। उसके बाद में शेली उनके पहले के रिलेशन की बात निकालकर पीटर से फ्लर्ट करती है, लेकिन पीटर शेली की उन बातों को इग्नोर करके उससे उसकी इस हालत की वजह पूछता है। तब शेली उसे बताती है कि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत हुई है। फिर पीटर उससे वहाँ की लैब के बारे में पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। तब जाकर शेली उसे बताती है कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर रही है, और इस बात से पीटर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये एक इलीगल काम है। मरे हुए किसी भी एनिमल या इंसान को जिंदा करना नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। पीटर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहता था, और तब शेली उसे अपनी कहानी बताती है। असल में शेली एक बायोसाइंटिस्ट थी, और एक दिन उसके फादर रॉबर्ट की मौत हो गई थी। शेली ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाई। तब जाकर उसे समझ में आया कि ये लाइफ कितनी छोटी है। तभी से शेली ने ठान लिया कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करेगी, और इसके लिए वो अलग अलग एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगी। मरे हुए एनिमल के दिल पर वो इलेक्ट्रिक शॉक देती थी, और इस वजह से जानवरों में फिर से मूवमेंट होती थी, लेकिन वो पहले जैसा जिंदा नहीं होता। और ऐसे ही करते करते उसे 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में शेली ने कई सारे जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, जिसके बाद में वो उन एनिमल्स को दफना देती थी। अब इन सबके बाद में शेली ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो रात को एक हॉस्पिटल में जाकर रात के समय चोरी चिपके से एक डेड बॉडी चुरा लाती है। घर लाने के बाद में शेली उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसकी बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट को प्रिजर्व करके रख लेती है। फिर उसकी डेड बॉडी को बाथटब में डालकर उसमें केमिकल डालती है। फिर अगले दिन शेली उसी अबैंडन बिल्डिंग को रेंट पर लेती है, क्योंकि वो अपने घर में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती थी। और फाइनली पूरा काम होने के बाद में शेली उस डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके बाद में वो बॉडी मूव भी करती है और उसकी आंखें भी खुल जाती है। लेकिन शेली ने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर जितनी ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी वैसा कुछ भी नहीं होता है, और बॉडी वापस पहले जैसी हो जाती है। एक्सपेरिमेंट फेल होने से शेली बहुत ही ज्यादा दुखी थी और परेशान भी थी, लेकिन वो हार नहीं मानती है। शेली फिर से अपनी स्टडी पर ध्यान देती है, वो देखती है कि उसने कहाँ पर गलती की है। लेकिन इन सबके चलते उस हॉस्पिटल से लाई हुई डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, तो इसलिए उस डेड बॉडी के कुछ पार्ट वो अपने डॉग को खिला देती है। या पीटर के मुताबिक शेली अपने पेरेंट की एक ओनली चाइल्ड थी, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, और पेरेंट की मौत के बाद में वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, तो इसलिए उसके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट की बातें आने लगी थी। पीटर इस बारे में और कुछ नहीं जानना चाहता था, तो इसलिए वो शेली को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। तब शेली उसे रोकने के लिए एक चाकू उठा लेती है और मेन डोर भी लॉक कर देती है। पीटर के पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, तो इसलिए मजबूरी में उसे शेली की पूरी कहानी सुननी पड़ती है। शेली की बातों से हमें पता चलता है कि उसके पास जब एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ह्यूमन बॉडी नहीं थी तो बहुत ही परेशान थी, और हॉस्पिटल से बॉडी को चुराना बहुत ही रिस्की काम था। लेकिन एक दिन जब शेली कार से कहीं पर जा रही थी तो एक रोड पर एक्सीडेंट हुई एक कार उसे दिखाई देती है, और वहां पर उसे 3 जख्मी लोग भी मिलते हैं। उनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन एक अभी भी जिंदा था। शेली चाहती तो उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसे बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो उन 3 डेड बॉडी को अपने लैब में लेकर आ गई, ताकि उनसे वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सके। पहले तो वो उन बॉडीज को अपने केमिकल वाले टब में डालती है, फिर उनके सभी कपड़े और सामान को जला देती है, ताकि पकड़े जाने पर किसी को कोई भी सबूत नहीं मिले। फिर शेली फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को करने में लग जाती है। पहले तो वो उन बॉडी के सेल्स को देखने लगती है कि वो मूव करते हैं या नहीं, और उन्हें कोई बीमारी तो नहीं थी। फिर वो तीनों की बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे कि हार्ट, किडनी और लिवर, इन सभी को प्रिजर्व करके रखती है। साथ ही उन 3 बॉडीज की बोन मैरो को भी वो जमा करके रख लेती है। शेली को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसे सक्सेस मिलेगी। वो 3 बॉडी को मिलाकर एक बॉडी बनाना चाहती थी, और उसका बस एक ही सपना था कि इस बार ये बॉडी जिंदा हो जाए। अब सब कुछ हो जाने के बाद एक दिन शेली उस बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उस बॉडी के अंदर बोन मैरो भी डालती है, और फाइनली वो जिंदा हो चुकी थी। उस बॉडी ने अपनी आंखें खोली थी और खुद खड़ी भी हो गई थी। इसे देखकर शेली बहुत डर गई, लेकिन वो खुश भी थी कि उसके एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप सक्सेस हुआ। पर पहले पहले वो बॉडी बहुत ही कमजोर थी, और एक छोटे बच्चे की तरह शेली को उसका ध्यान रखना पड़ता था। उस बॉडी की ना तो कोई मेमोरी थी, ना ही वो बोल पाता था। शुरुआत में शेली उस बॉडी को पाइप से खाना खिलाती थी, और उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने से रोकने के लिए वो उसे ज्यादा समय तक बर्फीले पानी में रखती थी,
शेली ने उस बॉडी का नाम मार्क रखा था और वो उसे रोजमर्रा की हर चीज सिखाने लगी थी, जैसे कि खाना खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना और चलना। शेली की हेल्प से मार्क भी सभी चीजें जल्दी जल्दी सीख रहा था और शेली हर दिन उसका चेकअप कराया करती थी और वो उसकी बॉडी के मूवमेंट को नॉर्मल लोगों की तरह करने के लिए उससे हर दिन एक्सरसाइज भी कराया करती थी। फिर एक दिन मार्क एक पेपर पर हार्ट ड्रॉ करके उसे समझा रहा था कि वो शेली से प्यार करता है और शेली भी मार्क से धीरे धीरे प्यार करने लगी थी। फिर एक रात को शेली बोन मेरो को मार्क के अंदर इंजेक्ट करने वाली थी और तब मार्क उसे बता देता है कि उसे इस काम में बहुत दर्द होता है, मतलब कि वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह दर्द भी फील कर पा रहा था। इसके अगले दिन शेली मार्क को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है, लेकिन शेली उसे सनग्लासेस पहनाकर और उसकी पूरी बॉडी को कवर करके बाहर ले गई थी ताकि लोगों को मार्क की बॉडी देखकर अजीब न लगे। और पहली बार दुनिया को एक्सप्लोर करके मार्क को बहुत ही अच्छा लगता है। उसने पहली बार कई सारी नई नई चीजें देखी थी जिससे कि उसको बहुत ही अच्छा लगता है। शेली भी अब पहले से और ज्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि उसकी लाइफ में कोई ऐसा था जिसके साथ में वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी और उसके सभी सपने अब पूरे हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मार्क के मन में अब यह सवाल बार बार आ रहा था कि वो दूसरे लोगों से इतना अलग क्यों है, उसकी स्किन और उसकी आंखें इतनी अलग क्यों हैं, उसे क्यों पहले की कोई भी बात याद नहीं है। और इस बारे में वो शेली से सवाल पूछता है, लेकिन शेली उसे कुछ नहीं बताती है और उसका ध्यान किसी और चीज में लगाने के लिए वो रात को एक रोमांटिक डिनर प्लान करती है। मार्को को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है और अगले दिन वो मार्को को बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जाती है। यहाँ पर मार्क शेली जैसा नॉर्मल दिखना चाहता था तो इसलिए वो उसकी तरह कभी कभी मेकअप भी लगाया करता था। साथ ही हर रात मार्क को अजीब अजीब सपने भी आते थे जिनका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक साथ शेली और मार्क एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट होते हैं। शेली की ये बात सुनकर पीटर भी शॉक्ड था क्योंकि मार्क जो भी हो था तो वो एक डेड बॉडी ही और वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं था, उसे शेली के द्वारा बनाया गया था। लेकिन शेली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके लिए मार्क सब कुछ था। वो पीटर को ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि पीटर ने कभी भी उसकी बातों पर और उसके एक्सपेरिमेंट पर यकीन नहीं किया था। शेली पीटर को वहां से जाने को कहती है, लेकिन पीटर शेली की पूरी कहानी जानना चाहता था तो इसलिए वो वहां से नहीं जाता है। अब हमें शेली की बातों से पता चलता है कि धीरे धीरे मार्क का बिहेवियर अजीब हो रहा था। वो बाहर जाना चाहता था लेकिन शेली उसे बाहर जाने नहीं देती है। मार्को को ऐसा लगता है कि बाहर ह्यूमन नहीं घोस्ट है और धीरे धीरे मार्क बीमार होने लगा था, लेकिन शेली उसके साथ थी। वो मार्को को सही करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्क ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था और ना ही उस पर किसी भी मेडिसिन का असर हो रहा था। दिन ब दिन वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था, लेकिन वो कभी भी शेली को नुकसान नहीं पहुंचाता है। शेली अपना ब्लड मार्क के अंदर इंजेक्ट कर रही थी ताकि मार्क की बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो। साथ ही वो मार्क पर कई सारे टेस्ट भी करती है, लेकिन उसे मार्क की किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता है और शेली किसी भी कीमत पर मार्क को बचाना चाहती थी। लेकिन एक रात को सबसे ज्यादा भयानक चीज होती है जिसके बाद में शेली की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात शेली को उसके डॉग की आवाज सुनाई देती है और डॉग की आवाज का पीछा करने पर वो देखती है कि मार्क उसके डॉग को खा रहा था, जिससे कि शेली बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। अपने डॉग को खोने के कुछ दिनों तक शेली बहुत ही दुखी थी और मार्क भी उसके लिए बहुत ही दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शेली समझ चुकी थी कि मार्क बीमार क्यों था। असल में मार्क की बॉडी को कच्चा खून और मीट चाहिए था, तभी उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहती थी, नहीं तो कमजोर होता जाता और उसकी बॉडी डिकम्पोज होती जाती। इस चीज को समझने के बाद में शेली हर दिन मार्को को चूहे खाने देती थी। कुछ दिनों तक मार्को चूहों को खाकर शांत रहता था और उनका रिलेशन भी ठीक चल रहा था और हर रात दोनों इंटीमेट भी होते थे। लेकिन धीरे धीरे मार्क की भूख बढ़ने लगी थी और वो फिर से अग्रेसिव बिहेव करने लगा था। उसे प्रिजर्व की हुई डेड बॉडीज के पास में जाना था। मार्क की जिद करने पर शेली उसे उन डेड बॉडीज के पास में लेकर जाती है और उन डेड बॉडीज को देखकर मार्को को उन्हें खाने का मन कर रहा था। अब मार्को को ऐसा लगने लगा था कि वो मरने वाला है क्योंकि उसे ह्यूमन मीट खाने को कहां मिलेगा। तभी शेली अपनी एक फिंगर मार्को को खाने को देती है, लेकिन मार्क शेली को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। लेकिन शेली की जिद करने पर मार्क उसकी एक फिंगर को खा लेता है, जिससे कि शेली को बहुत दर्द होता है। सीन कट होता है और प्रेजेंट टाइम में पीटर को शेली अपनी कटी हुई फिंगर दिखाती है, लेकिन वो फिर भी शेली की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। शेली उसे बताती है कि मार्क का पेट भरने के लिए वो हर रात को क्लब, डिस्को और बाकी प्लेसेस पर जाती थी और वहां से लोगों को फंसाकर अपने घर पर लाती थी, जहां पर मार्क उन्हें जिंदा खा जाता था। और इस तरह शेली ने बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी जमा कर ली थी। फिर एक दिन मार्क एक लड़की को बांधकर उसके सामने ही किसी और की डेड बॉडी को खा रहा था और इन सबके बीच में पुलिस को पता चल चुका था कि गायब हो रहे लोगों के मामले में किसी लड़की का हाथ है, तो इसलिए शेली किसी को भी किडनैप नहीं कर पा रही थी, नहीं तो पकड़ी जाती। यहाँ पर मार्क भी अब शेली के एक्सपेरिमेंट के ऊपर स्टडी कर रहा था और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसे बना है। फिर इसके बाद शेली खुद पर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाकर मार्क को अपनी बॉडी का कुछ हिस्सा खाने को कहती है, क्योंकि पुलिस की वजह से वो किसी को भी किडनैप करके मार्क के पास में नहीं ला पा रही थी। और मार्क भी शेली की बात मानकर उसके पैर का एक छोटा सा पार्ट खा जाता है। शेली की सभी बातें सुनकर पीटर शॉक्ड था, साथ ही उसे शेली की बॉडी पर कई सारे चोट के निशान भी दिख रहे थे। शेली भी पहली बार अपनी बॉडी पर फुल लाइट डालकर पीटर को अपनी बॉडी दिखाती है और हम देखते हैं कि शेली की बॉडी भी धीरे धीरे सड़ रही थी, यहाँ तक कि उसके बाल
और स्किन भी निकल रही थी। पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि शेली की ऐसी हालत कैसे हुई है, क्या मार्क ने खुद उसकी ये हालत की थी। शेली की इस हालत को देखकर पीटर भी बहुत ही दुखी था। वो शेली को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। वो सोच रहा था कि मार्क मर चुका है और वो उसके बारे में अब जानना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी शेली पीटर को बाकी की कहानी बताती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि शेली एक दिन फिर से किसी को किडनैप करने के लिए निकली थी। नहीं तो वो अगर खुद की बॉडी को इस तरीके से मार्क को खाने को देती तो उसकी भी मौत हो जाती। फाइनली शेली को हैरी नाम का एक आदमी मिलता है, जिसे अपनी बातों में फंसाकर शेली अपने ठिकाने पर लेकर आ जाती है। और रास्ते में मौका मिलते ही शेली हैरी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। लैब में हैरी को लाने के बाद में शेली उसे बेड पर बांध देती है और उसकी बॉडी पर कुछ टेस्ट करती है। शेली किसी भी बीमार इंसान को मार्क को खाने नहीं देती है। और इसी दौरान जब शेली मार्क के साथ में बिजी थी, तब हैरी होश में आ जाता है और अपने शूज से गन निकालकर शेली को शूट कर देता है। और इस बात से मार्क बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मार्क उसका गला काटकर उसे जिंदा ही खा जाता है। जिसके बाद में मार्क शेली के पास में आता है, लेकिन शेली तब तक मर चुकी थी। और मरने से पहले वो मार्क को आई लव यू भी कहती है। शेली के मरने से मार्क भी बहुत ही दुखी था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो शेली को जिंदा करके ही रहेगा। और इसीलिए वो शेली के एक्सपेरिमेंट को कॉपी करके सिर्फ 3 दिन में ही शेली को वापस से जिंदा कर लेता है। लेकिन अब शेली को भी ह्यूमन मीट की जरूरत थी, जो उसे मिल नहीं रहा था। और इसीलिए उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही थी और उसके बाल और स्किन भी निकल रहे थे। लेकिन अभी भी पीटर को शेली की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। पीटर भी अब वहां से जाना चाहता था, लेकिन शेली वहां का दरवाजा नहीं खोलती है। शेली पीटर को बाथटब में देखने को कहती है। पीटर जब बाथटब में देखता है तो उसे बाथटब में उसकी एक्स वाइफ जेसी की डेड बॉडी दिखाई देती है। और तब जाकर पीटर को समझ में आता है कि शेली अभी तक सच बोल रही थी। पीटर के पहले शेली ने जेसी को वहां पर बुलाया था और उसे खाने के लिए उन दोनों ने मिलकर उसे जान से मार दिया और उसकी बाकी की बॉडी प्रिजर्व करके रख दी। धीरे धीरे अब पीटर भी बेहोश हो रहा था, क्योंकि उसने जो ड्रिंक पिया था उसमें भी बेहोशी की दवाई मिली हुई थी। पीटर भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां से भाग नहीं पाता है और वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पर मार्क आता है और पीटर को एक चेन से उल्टा लटका देता है। शेली भी धीरे धीरे उसके पास में आती है और वे दोनों उसका दिल निकालकर उसके सामने दोनों उसके दिल को खाने लगते हैं। कुछ ही देर के अंदर पीटर तड़प तड़प कर मारा जाता है। दरअसल शेली ने उसे यह सब बातें बताने के लिए नहीं, बल्कि उसको खाने के लिए वहां पर बुलवाया था। फिर इसके बाद में हम शेली और मार्क को देखते हैं, जो कि शादी कर चुके थे और बहुत खुश थे। दोनों में अब कोई भी फर्क नहीं था, दोनों ही मरकर वापस से जिंदा हो चुके थे। और अब वे दोनों अपनी जान पहचान के लोगों को बुलवाकर उनका मीट खाकर जिंदा रहने वाले थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये था द कॉप्सिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में बहुत ही डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग सीन है, जो कि मैंने बहुत से पार्ट्स में ब्लर कर दिए हैं। और अगर आपका दिल मजबूत हो तभी आप इस मूवी को देखना। दरअसल इस मूवी में ऐसा होता है कि शेली एक बायोलॉजिस्ट थी। उसके पिता के मरने के बाद में वो इतना ज्यादा दुख में थी कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहती थी। और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सीडेंट हुए लोगों को मार्क के रूप में जिंदा कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि मार्क को जिंदा रहने के लिए इंसान के कच्चे मीट की जरूरत होगी। तो इसीलिए शेली मार्क की जरूरतें पूरी करने के लिए उसे इंसान का मीट खिलाया करती थी। लेकिन एक किडनैप किए हुए आदमी ने शेली को ही जान से मार दिया और तब मार्क ने शेली का एक्सपेरिमेंट रिपीट करके उसे फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन अब दोनों को ही अपनी बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए कच्चे इंसानी मीट की जरूरत थी। तो इसीलिए शेली ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पीटर को वहां पर अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाने के बहाने बुलाया। पीटर को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब शेली ने पीटर की वाइफ की डेड बॉडी उसे दिखाई तब जाके पीटर को यकीन आया और दोनों ने मिलकर पीटर को भी जान से मार दिया। मार्क और शेली दोनों ही डेड थे और अब उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानी मीट की जरूरत थी। तो इसीलिए अब वे अपनी जान पहचान के लोगों को मारकर खाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं और भी ऐसे डिस्गस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।